हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन क्वीन। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं नॉनवेज गुड़ के पायस की रेसिपी या गुड़ वाले खीर की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन में 1 लीटर दूध को बॉईल करने के लिए छोड़ दिया है। दूध बॉईल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट में दूध बॉईल हो जाता है। अब हम यहाँ पर 50 ग्राम चावल लिए हैं। हम यहाँ पर गोविंदो भोग चावल यूज़ कर रहे हैं। चावल को धोकर हम इसको भिगो कर रख देंगे। ये देखिए, दूध में बॉईल भी आ चुका है। हम गैस के फ्लेम को लो कर दिए हैं। दूध को हल्का चलाएंगे ताकि दूध नीचे जल ना जाए। ये देखिए, धुले हुए चावल को हम अभी दूध में डालेंगे। आपके पास अगर गोविंदभोग चावल अवेलेबल नहीं होता है तो आप कोई भी खुशबूदार चावल ले सकते हैं। खीर बनाते समय ये ध्यान में रखिएगा कि खीर को 2-3 मिनट में चलाते रहना पड़ता है, नहीं तो नीचे चावल और दूध जलने का चांस रहता है। हम गैस को मीडियम टू लो फ्लेम में रखे हैं। खीर में डालने के लिए हम यहाँ पर काजू और बादाम ड्राई फ्रूट्स यूज़ करेंगे। काजू और बादाम को पहले हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। काजू बादाम हम काट लिए हैं। अब काजू बादाम किसमें तीनों हम खीर में डाल देंगे। अब हम 2 चम्मच नारियल पाउडर यूज़ करेंगे। नारियल पाउडर से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। देखिए, दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है और चावल भी गल गया है। दूध गाढ़ा होने में करीब 20 से 25 मिनट टाइम लगा है। यहाँ पर हम मीडियम टू लो फ्लेम में खीर बना रहे हैं, इसलिए 25 मिनट तक टाइम लग गया है। अभी हम गुड़ डालेंगे। गुड़ यहाँ पर हम 200 ग्राम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम नॉनवेज गुड़ यूज़ कर रहे हैं। ये खजूर के रस से बनता है और बंगाल में विंटर सीजन में मिलता है। ये बहुत ही टेस्टी है और इसका स्मेल बहुत ही बढ़िया रहता है, इसलिए हमने इसमें इलायची नहीं डाली है, क्योंकि जो नॉनवेज गुड़ है उसका अलग ही खुशबू रहता है। अगर आप नॉनवेज गुड़ नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप इलायची ज़रूर डालिए। खीर में गुड़ डालते टाइम हमेशा गैस के फ्लेम को लो पर ही रखिएगा। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में दूध फटने का चांस रहता है। देखिए, गुड़ धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। अभी हमें खीर को चलाते रहना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।